आज मैं आप लोगों से सीधे किचन में मिल रही हूँ क्योंकि मैं बनाने जा रही हूँ अपना डिनर, और डिनर बनाने में मैं लेट हो गई हूँ, तो इसलिए आज मैं आप लोगों से ज्यादा बातें नहीं कर सकती। बस इतना बता देती हूँ कि मैं डिनर में आज बना रही हूँ पाव भाजी। तो मैंने सोचा पाव भाजी बन रही है तो आप लोगों के साथ शेयर करना तो बनता ही है। मेरा इंडक्शन थोड़ा गर्म हो गया इसलिए मैंने कढ़ाई उधर रख दी, कहीं मेरा बटर जल ना जाए। तो बटर मैंने डाल दिया है, अब बटर डालते ही, क्योंकि मेरा इंडक्शन गर्म है तो मैं प्याज इधर ही डाल दूंगी वरना मेरा बटर जल जाएगा। तो अनियन डाल देते हैं इधर। शायद मैंने इससे पहले ना कुछ उलट पुलट बोल दिया, प्लीज माइंड मत कीजिएगा। तो बटर आपने देखा मेरा गर्म हो चुका था और मैंने इसमें अनियन डाल दिया। और मैं अपना ब्लॉग आज ये शाम से के ऑलमोस्ट रात हो चुकी है अभी स्टार्ट कर रही हूँ, तो ये ब्लॉग कल तक चलेगा। मैं इसे रात को एंड नहीं करूंगी क्योंकि रात को एंड करूंगी तो बहुत जल्दी हो जाएगा और मैं आप लोगों से अच्छे से बात नहीं कर पाऊंगी। पाव भाजी बन रही है तो बटर डालना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं थोड़ा ज्यादा बटर डालूंगी, तो प्लीज माइंड मत कीजिएगा क्योंकि मुझे पाव भाजी में बहुत सारा बटर पसंद है, इवन सभी को पसंद है। अरे पाव भाजी के नाम से ना मुझे वो बिरला मंदिर के उधर खड़े हुए ठेले याद आ जाते हैं। अब तो वो ठेले वाले खुद ही खा रहे होंगे, नहीं खुद ही बना रहे होंगे और अपनी बीवी को पाव भाजी खिला रहे होंगे। वाह वाह, सोचो रोज पाव भाजी बनवाती होंगी उनकी बीवियां और वो लोग आराम से खाती होंगी। तो बटर में मेरे प्याज फ्राई हो रहे हैं, टिंग 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 टिंग। मेरे पास बड़ी वाली कढ़ाई नहीं थी वो जिसमें भाजी बनती है, तो मैंने यही वाली ले ली क्योंकि नहीं थी, तो इसलिए मैंने यही वाली ली। चिंग 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 चिंग। और मुझे पाव भाजी बहुत पसंद है, और पाव भाजी बनाने का आज एक और रीजन ये भी है कि फ्राइडे को ना मेरा खाना बनाने का ज्यादा कुछ मन नहीं करता क्योंकि फ्राइडे के नाम से ना मुझे ऐसे वीकेंड जैसी फीलिंग आती है। फ्राइडे आ गया मतलब वीकेंड आ गया, फ्राइडे सैटरडे संडे तीन दिन ऐसा लगता है कि कुछ छुटपुट इंस्टेंट जल्दी से कुछ बन जाए। तो अगर आप पाव भाजी बनाते हैं तो आपको इसके साथ चपाती बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, तो बस इसलिए मैंने पाव भाजी बनाने की सोची। और हो रहे हैं, मेरे अनियन अभी तक हुए नहीं है जबकि इंडक्शन बहुत गर्म है, फिर भी हो रहे हैं। तो ऑलमोस्ट मेरे प्याज हो चुके हैं और मैंने ना लहसुन पीस लिया है, मुझे लहसुन इसमें पिसा हुआ ज्यादा पसंद है। और उस पिसे हुए लहसुन में मैंने नमक मिर्ची और पाव भाजी मसाला डाला है, मैंने कुछ हल्दी वल्दी नहीं डाला है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हल्दी डालने से ना फिर इसका कलर चला जाएगा, क्योंकि मेरे पास कोई फूड कलर तो है नहीं तो पाव भाजी का कलर आए, तो मुझे ऐसा लगा कि इसका हल्दी से ना वो येलो येलो कलर आ जाएगा, तो मैंने वो नहीं डाला है हल्दी। हाँ हल्दी नहीं डाली, धनिया मसाला नहीं डाला, सिर्फ नमक रेड चिली पाउडर और पाव भाजी मसाला। और पाव भाजी मसाला तो मैं बाद में टेस्ट करके और डालूंगी, और इसमें ना थोड़ा सा रह गया है तो मैं पानी डाल के इसको भी ले लेती हूँ। और मैं अब अपना मसाला अच्छे से पकाऊंगी। मैं क्या, सभी अपना मसाला अच्छे से ही पकाते हैं। ये बटर की खुशबू तो अभी से आने लगी है। अब मैं थोड़ी देर अपने इस मसाले को पकाती हूँ और उसके बाद फिर हम इसमें डालेंगे टमाटर। और मुझे पता है कि पाव भाजी में बहुत सारी सब्जियां डलती है, पर मेरे पास आज कुछ बहुत ज्यादा सब्जियां नहीं थी, मेरे पास सिर्फ पोटैटो था, तो मैंने सिर्फ पोटैटो मैश करा है और आज मैं सिर्फ पोटैटो वाली भाजी बनाऊंगी। तो मसाला थोड़ी देर पकाते हैं फिर टमाटर डालेंगे। तो प्याज ने अच्छे से तेल छोड़ दिया है, मतलब मेरा मसाला पक चुका है, और अब मैं इसमें डालूंगी टमाटो। खुशबू अच्छी आ रही है, बस ये मैं आपको पहले ही बता दूं कि मेरे पास फूड कलर नहीं है तो वो पाव भाजी वाला एकदम प्रॉपर कलर तो नहीं आएगा, हाँ पर पाव भाजी जैसा ही कलर आएगा। तो अब इसमें डाल देते हैं टमाटर और फिर प्याज मसाला टमाटर, तीनों साथ में मिलके बातें करेंगे और पक भी जाएंगे। अब एक दूसरे से बातें करते करते पक तो जाएंगे। वाह वाह, क्या घटिया जोक था मेरा। मैंने टमाटर डाल दिए, ये मैंने चॉपर में ही कर लिए थे और मैंने अनियन भी चॉपर में कर लिए थे। अब इन तीनों को सब साथ मिलाते हुए अब वापस से मैं इसको ढक दूंगी जिससे कि मेरा मसाला अच्छे से पक जाए, और उसके बाद ये जो टमाटर क्या पोटैटो है, मैंने कहा ना मेरे पास आज कोई और सब्जियां नहीं थी और मुझे इंस्टेंट पाव भाजी बनाने का ऑर्डर मिला है, तो बस मैं इसे आलू वाली पाव भाजी बनाऊंगी। तो चलिए अब इसे ढक के पकाते हैं।
तो मसाला मेरा अच्छे से पक गया है, अब मैं इसमें अपने पटेटो डाल दूंगी। पटेटो मैंने पहले ही मैश कर लिए थे, तो बस अब मैं इसमें अपने पटेटो डाल देती हूँ और उसके बाद पानी डालेगा और बस फिर इसको अच्छे से पकाना पड़ेगा। मैं 10-15 मिनट इसे अच्छे से पकाऊंगी कि पोटैटो के अंदर सारा मसाला चला जाए। और मैंने ऐसी बात नहीं है, आलू सिर्फ आलू से भाजी बहुत बार बनाई है तो अच्छी बनती है, ऐसा कुछ नहीं। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। पर वैसे भाजी से एक बेनिफिट होता है कि सारी सब्जियां पेट में भी चल जाती है और बच्चों को पता भी नहीं चलता। चलिए इसे अच्छे से मिक्स करते हैं, फिर इसको पकाते हैं थोड़ा सा पानी डाल। इससे इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। जो पटेटो में थोड़े थोड़े लम्स है ना, वो मैश भी हो जाएंगे और मेरी भाजी अच्छे से भी हो जाएगी। और अगर मुझे लगा ना बीच में इसमें बटर कम है तो मैं इसमें बटर भी डालूंगी। मुझे ना ऐसे करने में बहुत मजा आता है। जब पहले मम्मी कहती थी ना सब्जी मैश कर दे, तो मेरे को सबसे ज्यादा मजा इसी में आता था कि मैं इससे मैश करूं। तो अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी क्योंकि मुझे थोड़ी गाढ़ी भाजी कम पसंद है। और अभी तो वैसे भी मसाला पकेगा तो पानी चला जाएगा। ये मैंने कोई रेसिपी यूट्यूब से नहीं देखी, मेरी खुद की रेसिपी। इसमें मैंने बस मैं हमेशा इंस्टेंट वाली भाजी ऐसे ही बनाती हूँ। तो चलिए अब इसको बंद करके थोड़ा सा पका लेते हैं और फिर ये थोड़ी देर बाद अपने आप रेडी हो जाएगी। हाँ, और आप लोग चाहें तो बाद में खाते टाइम इसके ऊपर है ना बटर में थोड़ा सा मतलब तड़का लगा सकते हैं। बटर में थोड़ा सा रेड चिली पाउडर और पाव भाजी मसाला डाल के, जो कि मैं लगाऊंगी। आई डोंट नो मैं आपको दिखा पाऊंगी या नहीं, पर मैं खाते टाइम वो तड़का जरूर लगाऊंगी। तो चलिए अब इसको थोड़ी देर पका लेते हैं। क्या आ रहा है ये जॉय? ये ले। क्या हो रहा है शैतान बच्चे? मैं आप लोगों को बताती हूँ एक्चुअली हो क्या रहा है। इस गार्बेज ट्रक का ना ये ऊपर का थोड़ा सा ढीला हो गया है, तो बार बार जॉय को हटाना है और बार बार लगवाना है। अभी कैसे पॉसिबल है कि बार बार हटाता रहे लगाता रहे? पी 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 कुछ भी करता आते हैं आजकल के बच्चे, सच में कुछ भी। ओहो वापस हट गया भाई। ओ माय गॉड, अब क्या होगा जॉय? अब कैसे चलेगी तेरी लाइफ है बता? जॉय कैसे चलेगी तेरी लाइफ बता मेरे को, बता अब क्या होगा? जॉय बोल डैडी डैडी डैडी, आपत्ति आ गई डैडी। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, और कल मैंने आप लोगों के साथ अपना डिनर शेयर किया था और उसके बाद मैंने थोड़ा सा दिखाया था कि जॉय मजे कर रहा था, मतलब जॉय एंजॉय कर रहा था, तो हम लोग उसके साथ खेल रहे थे। और उसके बाद मैं आप लोगों के साथ अब मिल रही हूँ और आप लोग सोच रहे होंगे ना कि मैं इतना नमूना बन के क्यों बैठी हूँ, तो इसके पीछे ना एक कहानी है। आप लोग थोड़ा सा पास आइए और मेरी कहानी सुनिए। चलिए थोड़ा सा पास आइए, फिर मैं आपको अपनी कहानी सुनाती हूँ। अब हम लोग थोड़ा सा पास है, अब मैं आपको अपनी कहानी सुनाती हूँ। पहले आप लोग ये सब देखिएगा। अब कहानी देखिए, एक तो वैसे ही लॉकडाउन चल रहा है, ठीक है, उसके ऊपर से मेरे साथ हो गई एक ट्रेजेडी कि है ना मेरे फोन के कुछ सिस्टम खराब हो गए, मतलब फोन की ना कुछ लाइटिंग मुझसे बिगड़ गई तो वो सही नहीं हो रही मुझसे, तो इसलिए एक तो मेरा मूड खराब। उसके ऊपर से इस लॉकडाउन के चक्कर में अपन डेली कपड़े पहन रहे हैं, मतलब घर के कपड़े, तो अपन उनसे बोर हो गए, ठीक है। अब बोर हो गए तो समझ ही नहीं आ रहा रोज रोज इंसान क्या पहनेगा यार, वही वही कपड़े पहन के अपन सब बोर हो चुके हैं, ठीक है। बाहर जा नहीं सकते, बाहर जाना भी नहीं है, पर फिर भी अब पति सामने दिखते हैं तो मुंह से निकलता ही है ना कि कपड़े नहीं है कपड़े नहीं है, ठीक है। तो मैंने भी इनसे बोला कपड़े नहीं है कपड़े नहीं है,
तो सब पतियों का एक ही जवाब, अलमारी खोल के देखो कपड़े सर के ऊपर आके गिरते हैं। तो मैंने कल सोचा कि आज ना मैं देख ही लेती हूँ कि ऐसा क्या है मेरी अलमारी में जो मुझे तो दिखता नहीं है और सबको दिख रहा है। लिटरली मैं, यार आप मानेंगे नहीं, हम लड़कियां ना, लड़कियां लेडीज कुछ भी कह लीजिए, आंटी, क्योंकि अब हमारी शादी हो चुकी है तो बहुत सब लोग हमें मोस्टली आंटी कहते हैं, तो कोई बात नहीं। हाँ आप लोग मानेंगे नहीं, हमें समझ ही, मेरे को समझ ही नहीं आता कि मैंने इतने कपड़े खरीदे क्यों हैं। आधे से ज्यादा कपड़े तो मेरी वार्डरोब में ऐसे हैं जो मैंने कभी पहने ही नहीं और जो मैं शायद कभी पहनूंगी ही नहीं, या मैंने सिर्फ एक ही बार पहने हैं। हम वो कपड़े क्यों लेते हैं यार? पता है कुछ मेरी वार्डरोब की मैं आपको रेंज बताती हूँ। कल मैंने सोचा कि ऐसा हो रहा है तो मैं अपनी वार्डरोब थोड़ी सी अरेंज कर लेती हूँ जिससे मुझे समझ आ जाए कि मुझे ये पहनना है या ये कपड़ा। या तो है सब बहुत ही हैवी या है सब बहुत ही नॉर्मल, जो एवरेज होता है ना, बीच वाला जो अपने को चाहिए होता है यार पहनने के लिए, है ही नहीं यार। आज मैं आप लोगों के साथ ना अपने कुछ ऐसे क्लोथ शेयर करती हूँ जो मुझे पता नहीं मैंने क्यों खरीदे हैं। उनमें से एक ये है जो मैंने पहन रखा है, आप मानेंगे नहीं, इसका मुझे कोई रोल नहीं पता। इसको मैंने आज से एक या दो बार पहना है, वो भी जब कोई, जैसे वो कहते हैं ना आज चौथ है तो अपन पूजा कर रहे, कहानी सुन रहे, तो मैंने इसे पहन लिया। हाँ आज तक मुझे याद ही नहीं है मैंने इसे कभी बाहर पहना हो। मैं आप लोग को दिखाऊंगी इसका ट्रेलर भी मैं पहन के अभी, मेरे को समझ ही नहीं आता। और आप लोग मुझे जरूर बताइएगा कि कौन कौन सी लड़कियां ना मुझसे रिलेट कर पा रही हैं इस बात पे कि उन लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि समझ ही नहीं आता। हम लोग बाहर जाते हैं, ओ वाह ये भी अच्छा लग रहा है, ये भी ये भी ये भी, पर घर आके पता चलता है कि अगर हमने 10 आउटफिट लिए है तो उसमें से हम सिर्फ 5 ही पहनेंगे, बाकी 5 सिर्फ हमारी अलमारी भरते हैं और हमें पूरी जिंदगी भर सुनना पड़ता है। क्यों लिया था जब पहनना ही नहीं था तो क्यों लिया था? उस वक्त हम कह रहे थे पर नहीं। तो अब वापस से थोड़ा सा दूर जाइए और देखिए मेरे साथ क्या हुआ है। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ वो कपड़े जो मुझे नहीं पता मैंने क्यों लिए। चलिए तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। मैंने ना अपना सारा टाला, और ये सारा टाला नहीं है सच बताऊं, सिर्फ वार्डरोब में से 4 या 5 सूट निकाले आज जो काम के नहीं थे। इसके अलावा बॉक्सेस में इतने भरे हुए हैं, पूरे के पूरे बैग लगेज भरे पड़े हैं यार। अगर आपको ये वीडियो सच में पसंद आए ना तो मुझे जरूर बताइएगा, मैं आप लोगों के लिए अपने जो बाकी लगेज है ना वो भी खाली करूंगी और आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि और भी कितने कपड़े हैं जो मैंने एक बार भी नहीं पहने और जो एक एक बार पहने हैं उनको पता नहीं दोबारा कब पहनूंगी। तो चलिए मैंने अपना सारे बहुत ही प्यार से खरीदे हुए कपड़े एक चेयर पे रख लिए। धीरे धीरे मैं आप लोगों को बताती हूँ और पहन के भी दिखाती हूँ, आप लोग मुझे बताइएगा कि मैं उनमें से कुछ पहन सकती हूँ या नहीं। मैंने बहुत बातें हो गई, पहले मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। देखिए चालू करते हैं फर्स्ट। पहले इसका इनर दिखाती हूँ। ये देखिए ये है ब्लैक कलर का, ये पूरा ऊपर से लेके नीचे तक है और इसके ऊपर है ये इनर। ये ज्यादा नहीं दिखा रही क्योंकि मैं पहन के दिखा दूंगी, इसकी कहानी सुन लीजिए। ये मैंने लिया एक एग्जीबिशन से बहुत ही प्यार से, पर पहना नहीं मैंने अभी तक एक बार भी, आज ही पहली बार डाला था। अब आप लोग मुझे बताइएगा कि मैं इसे पहन सकती हूँ या नहीं। पता है मैं सोच रही थी कि अब मैं व्लॉग्स बनाने लगी हूँ ना तो कुछ अपने डेली व्लॉग्स में पहना करूंगी। ओहो ये दूसरा, ये तो मेरे शादी के टाइम का है, इसे सिर्फ एक बार पहना है और शादी के जस्ट बाद पहन लिया होगा, उसके बाद मैंने इसे कभी नहीं पहना। आई रियली डोंट नो इसका क्या रोल है मेरी लाइफ में, ये क्यों आया है। हो सकता है अब मैं किसी वीडियो में इसे पहन लूं क्योंकि जब वीडियो बनाने लगी हूं तो हो, पर यार ये पॉसिबल नहीं होता ना यार, वीडियो में आप सूट पहन के, इतने हैवी सूट पहन के काम करो, मुझसे नहीं हो पाता। थर्ड ये फिर भी मैं कभी कभी पहन लेती हूँ क्योंकि अगर कोई घर में नॉर्मल पूजा है या कुछ है तो आई कैन वियर इट। इसको 10 में से 4 या 3 अपन दे सकते हैं, नॉट बैड। और थर्ड है ये नमूना बन के मैं आपके सामने खड़ी हूँ। तो ऐसे पता नहीं यार और कितने सूट्स हैं जो, मतलब ये तो कह रही हूँ ना सिर्फ एक एग्जांपल है कि मैं अपनी वार्डरोब खोल के बैठी और ये निकली और फिर मेरा वापस से मूड खराब हो गया कि सिर्फ वही कपड़े हैं जो मैं नहीं पहन रही हूं।
देखा आप लोगों ने, ऐसे पता नहीं कितने सूट से, तो मैं कह रही हूँ ना एक एग्जाम्पल है, आज मतलब कल मेरा मूड ऑफ था तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी वार्डरोब क्लीन करके देख लिया जाए कि जो कपड़े पहनने के हैं वो निकाल लिए जाएं और जो नहीं पहनने के हैं वो अलग कर दिए जाएं। तो ऑलमोस्ट ऐसे ही ऐसे कपड़े निकल रहे थे यार, जो अच्छे भी हैं, हम किसी को दे भी नहीं सकते और हमें पहनने भी नहीं है। समझ ही नहीं आता यार, आप मुझे बताइए क्या आप सब भी मेरे जैसे करते हैं? मतलब ऑलमोस्ट मुझे पता है हम सब लड़कियां, गर्ल्स, लेडीज सब सेम ही करती है यार। हम लोग जाती हैं, बहुत सारा ले आती है पर 10 में से 5 ही पहन पाते हैं, और होता क्या है हमारी वार्डरोब भर जाती है। तो आप लोग प्लीज मुझे बताइएगा कि आपको ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आया है, क्योंकि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है ना, तो जो मेरे ऊपर बैग्स पड़े हैं ना, मैं उन्हें सच में आप लोगों के लिए खोलूंगी और उनमें से और ऐसे कपड़े निकालूंगी जो मैंने सिर्फ 1 बार 2 बार ऐसे पहने और जिनका कोई मतलब नहीं है। क्योंकि मुझे पता है इस वीडियो से बहुत सारे लोग ना, बहुत सारी गर्ल्स मुझसे रिलेट कर पाएंगी, उन्हें भी ना अपने पुराने कपड़े कुछ याद आएंगे कि अरे क्यों लिए थे, या वो तो मैंने पहना ही नहीं, अरे भूल गई मैं लाके, ऐसा भी होता है। तो आज के मेरे वीडियो में यही, अगर आपको मेरा ये वीडियो और आज जो मैंने आपको दिखाया ये, इससे अगर आपने रिलेट किया हो, अगर आपको अच्छा लगा हो कुछ भी, तो प्लीज मेरे इस ब्लॉग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अब मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय फ्रेंड्स।